अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। शिक्षा किसी को देने से कभी कम नहीं पड़ती बल्कि बढ़ती है। गरीब, बेसहारा एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दान करने के संकल्प के साथ युवाओं द्वारा 4 वर्ष पूर्व शुरू किया गया तुलसा करियर कोचिंग सेंटर क्षेत्र के बच्चों का भविष्य संवार रहा है, जिसकी नीट कंपटीशन की कोचिंग कर रहे युवा प्रेम नारायण ने 15 अगस्त 2015 में डालकर साथ में कंपटीशन की कोचिंग कर रहे युवा संदीप कुमार, विद्यार्थी रिंकू, रामचल, सरोज, अंजलि, गौतम, राज नारायण, रोहित के सामने क्षेत्र के गरीब बच्चों को नीट शोक कोचिंग पढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो सभी ने प्रेम नारायण के प्रस्ताव का स्वागत किया और सभी मिलकर 2 घंटे प्रतिदिन नीट शोक कोचिंग पढ़ाने लगे। आपको बता दें कि शिवगढ़ क्षेत्र के गुड़ा गांव में युवा नीट शोक कोचिंग पढ़ाकर गरीब, असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। कोचिंग पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र तरुण कुमार ने बताया कि पढ़ाई जा रही निःशुल्क कोचिंग गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। जब कोचिंग संचालक युवाओं से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा और महसूस किया है। गरीबी के चलते बच्चे कक्षा में अपने आप को कमजोर महसूस करने पर पढ़ाई छोड़कर मजदूरी अथवा अन्य कोई पेशा अपना लेते हैं, जिससे उनका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। बाद में समझ आने पर बच्चों को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। युवाओं का कहना है कि उनका संकल्प है कि ग्रामीण अंचल का हर बच्चा पढ़कर आगे निकले और देश का नाम रोशन करे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। ये जो कोचिंग आप लोग चला रहे हैं, कोचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कोचिंग का उद्देश्य यह है कि जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बच्चे हैं वो किसी ना किसी कारण अर्थ की कमी से वो अपनी कोचिंग छोड़ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको हम पढ़ा के उनको आगे बढ़ाएँ। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के अंतर्गत, वो इस कोचिंग में बच्चों को भेजने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रेम नारायण है। एक कोचिंग जो है आप लोग कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? सर, ये हम लोग 15 अगस्त 2015 से चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बच्चों से कितने रुपए शुल्क लिया जाता है? सर, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, हम लोग तैयारी करते हैं और जो है इस कुछ जो है जैसा टाइम बचता है 1-2 घंटे टाइम लोग निकाल के बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने समय से कितने समय तक पढ़ाते हैं? ये स्कूल टाइम के हिसाब से होती है। अगर स्कूल 3 बजे से है तो 3 बजे से क्लास चलती है 5 तक, नहीं तो अगर 1 बजे तक है तो 1 बजे से चलती है क्लास। सर, तो कितने लोग पढ़ाते हैं साथ में? सर, इसमें 5 हमारे फ्रेंड हैं और 1 सिस्टर हैं, सभी लोग कंबाइन करके सभी विषय लगभग पढ़ाते हैं। क्या उद्देश्य आपका? सर, मेरा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा के रूप में वंचित रह जाते हैं और उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पाता है, कुछ गरीब गार्जियंस होते हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनका जो है उनकी शिक्षा आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस कोचिंग को ओपन किया गया है ताकि बच्चे आगे पढ़ लिख के बढ़ें। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।